तो देखिए, अपने इस परफॉर्मेंस के चलते भारतीय टीम ने, बल्लेबाजों ने सबकी बोलती बंद कर दी। हर कोई कह रहा था कि लीग स्टेजेस में तो बड़े बड़े स्कोर करना, बड़े बड़े मैचेस जीतना बड़ी आसान बात है, क्रंच सिचुएशन में नॉकआउट मुकाबले में खेल के दिखाओ, तो बताएं उन्होंने खेल के दिखा दिया है। फैंस का क्या कहना है, एक बार लता के पास चलते हैं जो मुंबई में मौजूद है कुछ फैंस के साथ। लता, ओवर टू यू, बात कीजिए, कितने उत्साहित है फैंस? जी देखिए, फैंस तो काफी ज्यादा उत्साहित है, वन खड़े स्टेडियम के बाहर ही मरीन ड्राइव है, वहां पर मैं दिखाना चाहती हूँ तस्वीर आपको। कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 397 स्कोर बना इंडिया ने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा स्कोर हुआ जो हमारे देश के लिए, जो कि हम लोग पिछली बार जो 2022 में हार के आए थे, आज उसका पूरा हिसाब लेंगे। जो कि टीम इंडिया के विराट कोहली, जो कि हम उनके बिग फैन है, जो कि बहुत ज्यादा हमको टिकट न मिलने की वजह से हम बाहर से एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, और मुझे बहुत खुशी हो रही है जो हमारे विराट कोहली ने जो झंडा और जो मुकाम गाड़ा है, और यहाँ पे भगवान, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। दो रिकॉर्ड तोड़े हैं यहाँ पे, आपने देखा ही होगा मैच। यस, देखा, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा बढ़िया किया है विराट सर ने। उनके बारे में तो क्या कहना, आज बहुत ही खुशी, आज पूरा इंडिया मुझे लग रहा है बहुत ही खुश होने वाला है, क्योंकि विराट सर ने सचिन सर का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके बारे में क्या ही कहना। अब इसके बाद क्या लगता है, भारत जीतेगा? भारत ही जीतेगा। प्रीति, यहाँ से, यहाँ पे मेरे साथ नन्हे बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? राइशा। राइशा, आपका नाम? बिनिश। क्या लगता है इंडिया जीतेगी? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जो कोहली और श्रेयस अय्यर ने जो 100 मारे हैं, तो उस हिसाब से तो जो फॉर्म है टीम इंडिया का, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और ये सब जो है, जडेजा सर, इन लोग ने बहुत मेहनत की है अपने इन लोग के लिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो इस बार वर्ल्ड कप हमारे हाथ में है। ये प्रीति, यहाँ पे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से, शिद्दत से गेम देखी है यहाँ पे, और उन्हें पूरा यकीन है कि इंडिया जीतेगी। लता, मुझे आपसे थोड़ी जेलसी भी हो रही है, क्योंकि आपको ऐसे मेहमान मिल रहे हैं जो क्लियर कट कह रहे हैं हाँ इंडिया जीतेगी, जीतेगी, ऑब्वियसली जीतेगी। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पैनल में भी कोई इतना क्लियरली हमें कह दे। कितनी क्लैरिटी के साथ बात की है, वो अच्छा लगा है। बिल्कुल अजहर, आपका क्या कहना है? आप क्लियरली क्लैरिटी के साथ हमें बताइए, क्या इंडिया आज का मैच जीत रही है? मैं देखिए, डेफिनेटली विनिंग टोटल है, मैं 397 स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर अपने आप में डाउट रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई पॉजिटिव फीलिंग है। मैं समझता हूँ यहाँ पे न्यूजीलैंड को इतना स्कोर करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो इंडिया के चांसेस में भी 100% में से 99%। अतुल, आप सहमत है इस आकलन से? आप हैं दरअसल जो हमें वो बड़े क्यूरियस से जो है एवरेजेस बताते हैं, आज कितना परसेंटेज है? आज मुझे लग रहा था आप वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा डाउट था, आज के मैच की तो बात ही नहीं कर रहे हम तो। पर ये देखिए, पर अगर कोई टीम में मादा है, 380 लगभग चेज कर चुके थे एक बार ये, और अगर एक ऐसा कहते हैं ना ब्लैक स्वान मोमेंट, एक फ्रीक मैच की याद आती है, 434 एक बार चेज हुए थे साउथ अफ्रीका में, जब 400 को भी बनता नहीं था, तो 434 एक ही दिन में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने बना दे। पर इंडियन टीम की क्या बात करें, पिछले दो मैचेस में 800 से ज्यादा रन बना दिए इन्होंने, और स्टेटमेंट में स्टेटमेंट हो रही है अभी, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इतनी लग्जरी देते हैं, मनी ने छोड़ी थी कि रोहित इसलिए बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर बढ़िया है। मैं कहता हूँ एक देखिए, लग्जरी हमारी गेंदबाजों की है कि खुला खेलते हैं, अगर 150 भी बने तो 150 तो हमारे गेंदबाज रोक लेंगे, वो लग्जरी चलती चली जा रही है। चलिए, ये कुछ और सवाल है जो आज के मैच के बाद सामने आते हैं, और इन तमाम विषयों पर चर्चा भी बनी रहेगी। क्या विराट सर्वश्रेष्ठ ओडीआई बल्लेबाज है, वो अपने आप को आज एक बार फिर से सिद्ध करके गए हैं? क्या न्यूजीलैंड इस टारगेट को, यानी कि 398 रन को चेज कर सकती है? बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है भारत के बल्लेबाजों ने। क्या ये भारत की बेस्ट प्लेइंग 11 है? इस चर्चा को गर्म लगातार सोशल मीडिया पर भी रखा गया है, क्योंकि इस बार जो ये 11 खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं, जिस तरह से अपना दमखम दिखा रहे हैं, क्या ये बेस्ट प्लेइंग 11 है? क्या श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 की बहस को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया है? लगातार जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, अब क्या सवाल बाकी है? क्या शुभमन गिल नेक्स्ट विराट कोहली है? शुभमन गिल आज थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, क्रैम्प्स आए, वो चले गए मैदान से बाहर, वापस भी आए आखिर में जाके, लेकिन फिर भी शतक से थोड़ा चूक गए। लेकिन कीर्ति, अगर बात की जाए आज के इस मैच की, तो जो अजहर कह रहे थे कि डेफिनेटली ये विनिंग टोटल है, और अगर आप इसमें भी आकर अपने आप पर शक करेंगे, तो क्या वो नेगेटिविटी कहीं उसको मौका देंगे आने का? नहीं, शक की बात नहीं, अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें तो टेक्निकली हाँ ये चेज हो सकता है, लेकिन क्या ये आज चेज हो सकता है सच्चाई में? नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति और गेंद को हमने स्लो टर्न होते हुए विकेट के ऊपर देखा जो सेंटनर ने किया, लेकिन उसका उतना असर भारतीय बल्लेबाजों पर नहीं पड़ा। हमारे पास एक रिस्ट स्पिनर है, हालांकि कुलदीप को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मारा, पिटाई की थी, तो न्यूजीलैंड की टीम ने की थी, लेकिन परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए यह सच्चाई में नहीं लगता कि आज किसी तरीके से भी न्यूजीलैंड की टीम भारत के स्कोर को पार सकती है। और अगर न्यूजीलैंड की टीम को ये स्कोर पार करना है, तो फिर किस तरह की मेहनत होगी, किस तरह की स्ट्रेटजी होगी? अब इस वक्त वो लोग इसमें अपना दिमाग लगा रहे होंगे।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।